कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली बार हम लोग मात्राएं सीख रहे थे जिसमें स्वर अ और आ हम लोगों ने सीखी थी। अब उसके बाद आता है छोटी ई। ई की मात्रा ऐसे आती है, हमेशा छोटी ई की मात्रा जो है वर्ण के आगे से आती है इस तरह से। तो आपको छोटी इस तरह से अपनी बुक में पहले वर्णमाला लिखनी है जो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखी है, और आपको अच्छे अक्षरों में लिखनी है, और साथ में लिखते वक्त आपको इसको बोल बोल के लिखना है ताकि आपको बोलना भी आ जाए। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग वर्णमाला में छोटी की मात्रा लगा के बोलते हैं। क में छोटी की मात्रा की, ख में छोटी की मात्रा की, ग में छोटी की मात्रा गी, ग में छोटी की मात्रा गी, अंग अंग में कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, च में छोटी की मात्रा ची, छ में छोटी की मात्रा छी, ज में छोटी की मात्रा जी, ज में छोटी की मात्रा जी, और इया में भी कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, ट में छोटी की मात्रा टी, ठ में छोटी की मात्रा ठी, द में छोटी की मात्रा डी, ड में छोटी की मात्रा डी, और अ में छोटी की मात्रा अड़ी, त में छोटी की मात्रा ती, थ में छोटी की मात्रा थी, द में छोटी की मात्रा दी, द में छोटी की मात्रा धी, न में छोटी की मात्रा नी, प में छोटी की मात्रा पी, फ में छोटी की मात्रा पी फी, ब में छोटी की मात्रा बी, भ में छोटी की मात्रा भी, म में छोटी की मात्रा मी, य में छोटी की मात्रा ई, र में छोटी की मात्रा री, ल में छोटी की मात्रा ली, व में छोटी की मात्रा वी, श में छोटी की मात्रा शी, श में छोटी की मात्रा सी, स में छोटी की मात्रा सी, ख में छोटी की मात्रा ठी, क्ष में छोटी की मात्रा क्षी, त्र में छोटी की मात्रा त्री, ज्ञ में छोटी की मात्रा घी, श्र में छोटी की मात्रा श्री। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला। आपको अपने बुक में वर्णमाला लिखने के बाद उसके नीचे आपको ये हेडिंग डालना है कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो हम अब शब्द देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड में छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है? आपको ये वर्ड लिखने हैं, और इसके अलावा आपको जो ये वर्ड है इसके अलावा फाइव फाइव वर्ड ये मात्रा के आपको लिखने हैं होमवर्क में। फर्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे द में छोटी की मात्रा दी न दीन, क में छोटी की मात्रा की रण की रण, र फिर व में छोटी की मात्रा वी रवि, स में छोटी की मात्रा शी व म शिवम, ग में छोटी की मात्रा घी, ट में आ की मात्रा टा र घी टार, च में छोटी की मात्रा ची, ड में छोटी की मात्रा डी, य में आ की मात्रा या चिड़िया, क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ताब किताब, च में छोटी की मात्रा ची त्र चित्र, ख में छोटी की मात्रा ही, स में आ की मात्रा सा ब ही साब, स में छोटी की मात्रा सी, त में आ की मात्रा तार सी तार, ठीक है? तो आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना भी है, साथ में आपको ये सारे वर्ड पढ़ने भी है, और इसके अलावा आपको फाइव वर्ड ये मात्रा वाले लिखने हैं। अब हम छोटी सीख ली, अब हम सीखेंगे दीर्घ ई यानी कि बड़ी। बड़ी जो है वो हमेशा व्यंजन के पीछे से लगती है, जबकि छोटी जो है वो व्यंजन के आगे से लगती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? कि छोटी हमेशा आगे से आती है और बड़ी जो है व्यंजन के पीछे से लगती है, ये मात्रा है इसको बड़ी ई बोलते हैं। तो पहले हम लोग वर्णमाला में बड़ी की मात्रा लगा के देखेंगे, फिर उसके वर्ड सीखेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे ये मात्रा लिखनी है, पहले वर्णमाला पूरे लगा के लिखनी है सुंदर अक्षरों में, और साथ में लिखते वक्त बोलना भी है, और उसके बाद ये वर्णमाला लिखने के बाद आपको ये वर्ड लिखने हैं, और ये वर्ड के अलावा आपको बड़ी की मात्रा के फाइव फाइव वर्ड होमवर्क में
की मात्रा घी, ग में बड़ी की मात्रा घी, अंग अंग में कोई मात्रा नहीं आएगी, च में बड़ी की मात्रा ची, छ में बड़ी की मात्रा छी, ज में बड़ी की मात्रा जी, ज में बड़ी की मात्रा जी और इया, इया में कोई मात्रा नहीं आएगी, ट में बड़ी की मात्रा टी, ठ में बड़ी की मात्रा ठी, ड में बड़ी की मात्रा डी, ढ में बड़ी की मात्रा ढी, अड में बड़ी की मात्रा अड़ी, त में की मात्रा ती, थ में बड़ी की मात्रा थी, द में बड़ी की मात्रा दी, ध में बड़ी की मात्रा धी, न में बड़ी की मात्रा नी, प में बड़ी की मात्रा पी, फ में बड़ी की मात्रा फी, ब में बड़ी की मात्रा बी, भ में बड़ी की मात्रा भी, म में बड़ी की मात्रा मी, य में बड़ी की मात्रा ई, र में बड़ी की मात्रा री, ल में बड़ी की मात्रा ली, व में बड़ी की मात्रा वी, श में बड़ी की मात्रा शी, श में बड़ी की मात्रा क्षी, स में बड़ी की मात्रा सी, ख में बड़ी की मात्रा ही, क्ष में बड़ी की मात्रा क्षी, त्र में बड़ी की मात्रा त्री, ज्ञ में बड़ी की मात्रा घी और श्र में बड़ी की मात्रा श्री। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला बड़ी ई लगा के, ठीक है। तब उसके हम कुछ वर्ड देखेंगे, बड़ी की मात्रा वाले शब्द, ये हेडिंग आपको डालना है, उसके बाद उसके नीचे ये सारे वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके वर्ड देखते हैं। र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा नी, रानी। प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी। म छ फिर ल में बड़ी की मात्रा ली, म छली। ह और र में बड़ी की मात्रा री, हरी। ह में आ की मात्रा हा, थ में बड़ी की मात्रा थी, हाथी। प प में बड़ी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, प पीता। ख में बड़ी की मात्रा खी, र खीर। क ख में आ की मात्रा हा, न में बड़ी की मात्रा नी, क हानी। ल में बड़ी की मात्रा ली, त में बड़ी की मात्रा ची, लीची। द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स हो गए। आपको इसके अलावा 5 वर्ड्स खुद से होमवर्क में लिखने। तो हमने आज दो मात्रा सीखी, ठीक है, छोटी और बड़ी। छोटी हमेशा व्यंजन के आगे आती है और बड़ी जो है व्यंजन के पीछे से आती है, ठीक है।